हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकित। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएस अधिकारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर वन, एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी पर्सनल ऑफिशियल कार मिलती है। ऑफिशियल कारें आमतौर पर महिंद्रा थार या महिंद्रा बुलेरो होती है। ये कारें समय समय पर बदलती रहती है। पॉइंट नंबर दो, सभी आईपीएस ऑफिसर जितना चाहे उतना बिजली और फोन का यूज कर सकते हैं और उनसे इसका कोई भी चार्ज या बिल नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर तीन, एक आईपीएस ऑफिसर को सरकार हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहती है, इसीलिए आईपीएस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा प्रदान करती है। पॉइंट नंबर चार, आईपीएस ऑफिसर को जीवन भर पेंशन के साथ सम्मानित किया जाता है और रिटायरमेंट के साथ उन्हें देश में उनकी सेवाओं के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर पाँच, विदेशों में पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का समय मिलता है और पढ़ाई के दौरान वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ाई का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए आपको इस्तीफा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।